Hello students, welcome back. In our previous video, we have completed exercise 2A. Today we are going to discuss this divisibility test for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. क्या होते हैं divisibility test? किसी number को check करना कि वो दिए हुए इन number से divisible है या नहीं. Okay? तो इन को चेक करने के लिए कि किसी नंबर कोई जो नंबर हमें दिया हुआ है वो नंबर किसी गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं, यहाँ पर कुछ रूल्स हमें दिए हुए हैं, कुछ तरीके हमें दिए हुए हैं जिनसे हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर एक गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं. सो फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू. सबसे पहले कि कोई नंबर टू से डिवाइड है या नहीं, उसके लिए क्या तरीका है. A number is divisible by 2 if its ones digit is 0, 2, 4, 6 or 10. अगर किसी नंबर की ones की प्लेस पर जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30, 52, 84, 136, 2108 ये सब 2 से डिविजिबल है क्योंकि इनकी ones की प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 है. देन 71, 83, 215, 467, 629 इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वंस की प्लेस पर ये डिजिट्स नहीं है. देन सेकंड इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं ये कैसे मालूम चलेगा, अगर उस नंबर के सभी डिजिट्स को हम ऐड कर दें. A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. कोई number 3 से divisible कब होगा, जब उसकी digits का sum 3 से divisible होगा. Example, यहाँ पर ये number दिया हुआ है, इसकी सारे digits को हम add करेंगे, add करके आया 24. 24 को हम देखेंगे 3 से divide होगा या नहीं, अगर 24 3 से divide होगा तो ये number भी 3 से डिवाइड होगा. ठीक है, अब यहाँ 24 है, 24 3 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स ये नंबर भी डिवाइड हो सकता है. सेकेंड एग्जाम्पल में जो सम है वो है 28, 28 3 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. थर्ड इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 If the number formed by its digit in the tens and ones place is divisible by 4. कोई number 4 से divisible है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम देखेंगे कि जो number हमें दिया है उसमें ones और tens की place पे जो digit से number बन रहा है अगर वो 4 से divide होता है it means पूरा number 4 से divide हो जाएगा. जैसे यहाँ example है, ये नंबर इसमें वंस और टेंस की प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उससे नंबर बनता है 52, तो 52 4 से डिवाइड होता है इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 61,394, इसकी वंस और टेंस की प्लेस पर अगर हम डिजिट्स को लेते हैं तो नंबर बनता है 94, बट 94 4 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा. The next is test of divisibility by 5. A number is divisible by 5 if its ones digit is 0 or 5. कोई भी number 5 से divisible होगा अगर उसकी ones की digit 0 या 5 होगी तो. सिर्फ दो ही digits होना इसमें जरूरी है, 0 and 5. 0 or 5. कोई भी number जिसकी ones की place पे 0 होगा या 5 होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 एंड 3. नोट दैट 2 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6. कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो. तो यहां 2 और 3 को क्यों लिया गया है, बिकॉज 2 एंड 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6. क्योंकि 2 और 3 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं इसलिए अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा. नेक्स्ट इज
test of divisibility by 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the ones digit and the number formed by the other digits is either 0 or a multiple of 7. ये थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें. A number is divisible by 7. कोई भी number 7 से divisible होगा if अगर the difference between twice the ones digit, यानी जो ones की place पे digit है उसको twice कर दें और बाकी का जो number बना है उसमें से उसको minus कर दें, तो answer अगर 0 आता है या 7 का multiple आता है तो वो number 7 से divide होगा. Example यहाँ दिया हुआ है 6804. तो ones की प्लेस पे है 4, 4 को यहाँ डबल करेंगे और बाकी जो नंबर है 680 उसमें से उसको माइनस करेंगे. तो 680 माइनस 2 इंटू 4 यानी 680 माइनस 8, माइनस करने के बाद हमें मिला 672. अगर 672 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मड बाय इट्स डिजिट इन 100 टेंस एंड वंस इज डिविजिबल बाय 8. कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा अगर उसकी वंस, टेंस और 100 की प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उससे बनने वाला नंबर 8 से डिवाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमें नंबर दिया है 79,152. तो इसकी वंस, टेंस एंड 100 की प्लेस के डिजिट्स लें तो हमारे पास नंबर बनता है 152. अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा इट मीन्स ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक, द नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. Divisibility of 9 and divisibility of 3 by 9 and 3 के लिए सेम रूल फॉलो करना है. अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है कि वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं या 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो सेम रूल अप्लाई होगा कि उस नंबर की जो भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे. अगर सम 9 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 या 3 से डिवाइड होगा. ओके, तो इसके लिए सेम रूल फॉलो करना है 3 और 9 के लिए. डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे, अगर सम डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा. द नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0. अब 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे इजी है, अगर वंस के प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, सबसे इजी है कि अगर वंस की प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा. द लास्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11. 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 If the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digit in even places starting from the ones place is either 0 or a multiple of 11. इसको और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा लेंदी तरीका है. एक नंबर 11 से डिवाइड कब होगा, इफ अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें. किसका डिफरेंस, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेस. यानी जो नंबर दिया हुआ है उसके इवन प्लेस के डिजिट्स को ऐड करेंगे, उसके ऑड प्लेसेस के डिजिट को ऐड करेंगे, फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. अगर वो डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये नंबर दिया हुआ है. अब ऑड और इवन प्लेस मतलब हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो जो वंस की प्लेस पे नंबर है वो ऑड होगा. ओके, देन थर्ड प्लेस पर, फिफ्थ प्लेस पर, ये सब ऑड प्लेसेस हुए. टेंस की प्लेस पे जो है वो होगा इवन, देन
थाउजेंड की प्लेस पर इवन, यानी ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इस तरह से हम काउंट करेंगे। तो पहले ऑड प्लेसेस पे देखते हैं, 8, 7 एंड 9, इनका सम फाइंड आउट किया 24। देन इवन प्लेसेस पर 2 एंड 0, इनका सम फाइंड आउट किया 2। अब इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22। अब 22 क्योंकि 11 का मल्टीपल है, इट मीन्स ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। नेक्स्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, पहले ऑड प्लेसेस का सम करेंगे, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 13। फिर इवन नंबर्स का, इवन प्लेसेस का सम करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें ये बताया है कि या तो डिफरेंस 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा, दोनों ही कंडीशन में ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इन रूल्स को आपको अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के एकदम याद रख लेना है, तभी हम आगे के क्वेश्चंस इसमें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इन्हीं रूल्स को आप अच्छे से पढ़ के उनको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।